हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ चैक्स। और गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि नया बीटा अपडेट जो कि MIUI कस्टम रोम का है, जो बेस्ड होता है MIUI रोम से, इसके अंदर आपको जो है 20.5.7 का नया बिल्ड देखने को आ गया है तमाम डिवाइसेस के लिए। तो जितने भी MIUI सपोर्टेड डिवाइस हैं उन सभी के लिए MIUI EU का जो कस्टम बिल्ड होता है वो आ चुका है। इस बिल्ड की खास बात यह है, कस्टम रोम की खास बात यह है कि इसमें आपको MIUI का सारा फीचर मिलता है, साथ ही साथ आपको गूगल ऐप्स भी मिल जाते हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अभी सिर्फ MIUI 12 चाइना में आया है, तो अगर वो चाइना वाला हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फ़ोन में गूगल ऐप्स नहीं आता है। उसके लिए हम लोगों को अलग से एक फ़ाइल फ्लैश करनी पड़ती है ताकि गूगल ऐप्स रन करे। बट यहाँ पर क्या है, इस EU रोम के अंदर आपको गूगल ऐप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पोको F1 में EU रोम का ही पोर्ट डला हुआ है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और EU रोम जो है वो MIUI रोम से कभी कभी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। तो ये अपडेट जो है आ चुका है। अब किन किन डिवाइसेस के लिए, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक में मुझे मिल चुका है Mi 8 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi Max 3, Mi Redmi K20 Pro, Redmi K30 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8, Redmi K20। इन डिवाइसेस के लिए मुझे फ़ाइल मिल चुका है, बाकी के डिवाइसेस के लिए अभी मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप वेबसाइट को आधे आधे घंटे में चेक कर सकते हो। आधे आधे घंटे में मैं जो है उसको अपडेट करता रहूँगा लिंक के साथ, और आई थिंक कि शाम तक मैं सारे डिवाइसेस के लिंक जो है आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये लिंक कहीं पर भी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे छोड़ के कहीं पर भी एकाकी दो जगह पर अभी लीक हुआ है, बाकी अभी कहीं पर गया भी नहीं है। मैं एक घंटा से बैठा हुआ था इस लिंक के चक्कर में, फाइनली मिल गया। तो अगर आप अपने फ़ोन में इस रोम को फ्लैश करना चाहते हैं तो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है तो वो आप देख सकते हो चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके, बट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस क्या है, आपको ये रोम फाइल डाउनलोड करनी है, 2.5 GB की होगी। आपके फ़ोन का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए और TWRP आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए। TWRP के थ्रू जैसे हम लोगों ने चाइना बीटा रोम को फ्लैश किया, उसी तरह हम लोग इस कस्टम रोम को भी फ्लैश करेंगे। सिंपल सेम प्रोसेस है। फॉर्मेट करने, मतलब फ्लैश करने से पहले अपने फ़ोन को लॉक मत रखना, उसकी सारी की सारी लॉक जो है वो रिमूव कर देना ताकि जब फ़ोन रीस्टार्ट हो तो दिक्कत ना हो। ठीक है, बस यही सिंपल प्रोसेस है। आप इजीली अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बूट लोडर अनलॉक है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बाकी अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो अनलॉक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो लीक्स आ रहे हैं 19 तारीख को ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा MIUI 12 का, और उसके बाद फिर जो है कि एक महीने के अंदर में हर डिवाइस को अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यानी अभी आपको करीब करीब 40 दिन और वेट करना होगा, सारे डिवाइसेस में आ जाएगा। तो या तो आप तब तक का वेट करें या फिर आप इस तरीके से इंस्टॉल कर लें। बाकी मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि EU रोम की जब जब अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही इसका पोर्ट रोम आ जाएगा Poco F1 के लिए, मैं उसको इंस्टॉल करूंगा और उसका प्रोसेस का वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें कि आपको फुल प्रोसेस दिख जाएगा। बट वो काम मैं अपने सेकंड चैनल पे करूंगा जिसका नाम है MIUI 11 अपडेट्स। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख सकते हैं ताकि आपको उधर की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।